दोस्तों जियो फाइबर दी पाइपलाइन दी नाली दा काम जोरें शोरें कने चला करदा है, पर रोड च पेई दी मिट्टी दे कारण ओई दी बरखा च जगह जगह स्लिप ते फिसलन दे कन्ने अज एक बड़ा हादसा टली गया है, जिथे त्रियाड़ थमां सुंदरबनी जाकर दी एक छोटी कार एक्सीडेंट हो गई है, जेड़ी के खाई च पौने थमां बाल बाल बची गई है, जिथे गड्डी दे टायर रोड थमां बाहर हो गए है, पर आने जाने लिए गड्डियों का काफी देर तक जाम रहा है। तकरीबन 30 मिनट दे रेस्क्यू ऑपरेशन दे बाद कामयाबी हुई है। दूर दराज इलाके च मौके पर क्रेना ते नहीं थोंदियां, पर स्थानीय लोकें मिलिए ते मेटाडोर कन्ने टोचन पाइए ते इस कार की कढ़िया है। ये हादसा कालीडब दे बड़े खतरनाक मोड़ पर पेश आया है, जिथे साड़ी टीम ने मौके पर पुजी ते इस खबर की कवर किया है। इस हादसे च गलबात करने लई अथल बी दे सरपंच बालकृष्ण और सीधा फोन लाइन पर जुड़ी चुके न। इस टाइम हमारे साथ सरपंच बालकृष्ण अथल बी से जुड़ चुके हैं। सर, जैसे कि ये जियो वाली नाली निकाल रहे हैं रोड के साइड में, और इससे बड़े हादसे भी पेश आ रहे हैं, तो सर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पहले भी इनके बड़े अफसरों तक भी बात पहुंचाई है, और हादसे एक नहीं हुआ, कई हादसे हुए हैं। गाड़ी हमारी कई बार नाले में भी गिरी थी, एक दो गाड़ियां। उसके बाद इनको मैंने कहा था कि जो आप खड्डा कर रहे हो, निकाल रहे हो, उसके बाद उसको भर दीजिए, ताकि और ऊंचा ऐसा करके भरिए ताकि वहां खड्डा ना पड़े। और खासकर दिन को रात को बहुत ट्रैफिक चलती है, ये तकरीबन रंसू वाले रोड पे जाते हैं लोग दर्शन करने के लिए। आजकल ये जो महीना चल रहा है, सावन महीना चल रहा है, लोग हर सोमवार को तो खासकर दिन रात यहाँ इसी रोड पे रश रहता है। जी जी, तो जी, जी इनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई आप काम करो, लेकिन हम नहीं काम में रुकावटी नहीं डाल रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो आप काम करे उसको कम से कम करने के साथ साथ उसको भर दीजिए, ताकि हमारी गाड़ियों के ट्रैफिक में फर्क ना पड़े। कैप्टन साहब, अभी मैं इस टाइम स्पॉट में हूँ। एक कार, मारुति कार, जो त्रियाड़ से सुंदरबनी जा रही थी, ये कालीडब के खतरनाक मोड़ में जियो फाइबर की नाली के कारण ये हादसे के शिकार हुई है। तो सर ये देखिए, आज रात को इन्होंने नाली निकाली, जो कि बारिश के कारण ऐसा हादसा पेश आया। तो इस पे सर आप क्या, एक सरपंच होने के नाते क्या सर उनको सुझाव देंगे? देखिए, बड़ी ये मुझे आपसे जो सुना बहुत दुख लगा कि आज मंडे का दिन भी था, आज तो ट्रैफिक इतनी चल रही है इस रोड पे कि पूछो मत, और रात को इन्होंने एक किस्म का चोरी काम किया है। यहाँ से मैंने मना किया हुआ था कि इसको आप करते हो दिन दिन में करो, दिन को इसको कवर करके चले जाओ आप वापस, लेकिन इन्होंने रात को 12 बजे, मैंने सुना कि रात को 12 बजे गाड़ियां लगाई और सुबह 4 बजे जी यहाँ से खड्डे निकाल के चले गए। तो रात को इन्होंने क्या किया, खड्डे निकाले और अपना काम निकाला और चले गए खड्डे डाल के। वहां पर ऐसा मोड़ है, कंजेस्टेड जगह है, वहां पर नेचुरली बात है कि एक्सीडेंट होने ही है। तो मैं आपके माध्यम से इनको मैं सूचित करना चाहता हूं कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो हो रहा किया आपने, ये जो खराब किया रोड, इसको तुरंत ठीक करें। इस समय हमारे साथ सरपंच बालकृष्ण कैप्टन जी जुड़े थे, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सर। सरपंच बालकृष्ण होरें जियो फाइबर वाली टीम की आड़े हथे लैंदे हुई सख्त फटकार लाई है, ते आख्या के अपने कम्मे की पूरी चाली कन्ने करन, ताकि ओने जाने ले लोकें की तंगी दा सामना नहीं करना पवै। दोस्तों, ओने जाने ले चालकें कन्ने अपील है कि कार ते गड्डियां दी स्पीड की काबू रखन, ताकि दूर दराज दे इलाके च हादसे कोला बचन। जय माता दी। तो एम्बुलेंस आ गई। कोई बात नहीं, कोई बात।
हेलो मोहन लाल तुसें रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब करी ओड़ेआ।